you know, God comes to us by His grace. हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी कृपा के द्वारा हमारे पास आते हैं. We must know God and we must know His ways. जरूरी है कि हम परमेश्वर और उसके तरीकों के उसको मार्गों को समझें. That's very important. ये बहुत जरूरी है. Who God is? कि परमेश्वर कौन है? You know, Christian living is living by faith. हम जानते हैं कि ये मसीह जीवन जीना विश्वास का जीना है. There are two ways to live. और जीने के दो तरीके हैं. One is based on the natural senses. एक तो आप नैसर्गिक इंद्रियों के ज्ञान से चलते हैं. Or natural faith. या आपने नैसर्गिक विश्वास से जीते हैं. Which comes by seeing. जो देखने से आता है. And another is living by faith. और दूसरा है विश्वास से जीना. Christian living is living by faith. मसीहों का जीना विश्वास वाला जीना है. Amen. Amen. You must know this. जरूरी है कि आप ये बात जान लें. Because there's a natural way to live. क्योंकि एक जीने का नैसर्गिक ढंग है. Based on seeing. जो देखकर हम जीते हैं. But there's another way. पर एक दूसरा भी तरीका है. God's way. जो परमेश्वर का तरीका है. Of living. जीने का तरीका. That is by faith. और वो है विश्वास से जीना. Without seeing. बगैर देखे हम विश्वास करके जीते हैं. You have not seen God. आपने परमेश्वर को नहीं देखा है. You have not seen Jesus. आपने यीशु को नहीं देखा है. You have not seen the cross. आपने क्रूस को नहीं देखा है. You have not seen His blood. आपने यीशु के लहू को बहते हुए नहीं देखा. You have not seen His Holy Spirit. आपने उसके पवित्र आत्मा को नहीं देखा है. You have not seen His life. आपने उसके जीवन को नहीं देखा है. You have not seen heaven. आपने स्वर्ग नहीं देखा है. You have not seen hell. आपने नर्क नहीं देखा है. You have not seen all this. आपने ये सभी चीजें नहीं देखी. If you are going to live by seeing, यदि देखकर ही आप जिएंगे, then you have not seen all this at all. तो फिर तो आपने ये इनमें से कुछ भी नहीं देखा. Yet you have to live. फिर भी हमें जीना है. So this living is called faith living. इसलिए ये जो है बगैर देख के जीना है वो है विश्वास का जीना. Amen. Amen. This is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Christian living is very different. मसीहों का जीवन बहुत ही अलग है. Very different. बहुत ही अलग है. You're not going to see anything. आप कुछ भी नहीं देखेंगे. If I speak about heaven. यदि मैं स्वर्ग के बारे में बोलूं. No, heaven is real. कि स्वर्ग असली है. But I cannot show you heaven. पर मैं आपको स्वर्ग दिखा नहीं सकता. If I say God is truth. यदि मैं कहता हूं कि परमेश्वर सत्य है. I cannot show you God. फिर भी मैं आपको परमेश्वर तो नहीं दिखा सकता. If I say Jesus died for you. यदि मैं कहता हूं कि यीशु ने आपके लिए अपनी जान दे दी. I cannot show Jesus death on the cross. तो मैं यीशु की मृत्यु को क्रूस पर आपको दिखा नहीं सकता. I say the blood of Jesus cleanses from all sin. और मैं आपसे कहता हूं कि यीशु का लहू आपके हर पाप को धो लेता है. You cannot see it. तो आप यीशु के लहू को बहते नहीं देखते. You can see nothing. आप कुछ भी नहीं देख सकते. So all this is supernatural. ये जो भी बातें हैं अलौकिक हैं. It is heavenly. ये स्वर्गीय बातें हैं. Amen. Amen. God is not showing you anything. परमेश्वर इनमें से कुछ भी आपको नहीं दिखा रहे हैं. You're not going to see and believe. आप देखकर विश्वास नहीं करेंगे. You can see nothing. आप इनमें से कुछ भी नहीं देख सकते. These are spiritual realities. ये आत्मिक असलियत है. Your faith doesn't make it real. आपका विश्वास इन बातों को असली नहीं बनाता. Those things are real. You're asked to believe. ये आत्मिक बातें पहले से ही असली हैं. आपको सिर्फ कहा गया है कि आप इन बातों पर विश्वास करें. Amen. Amen. तुम बिलीव करने के साथ होने वाला ऐसा नहीं है. पहला हो चुका है इसके लिए बोलता है बिलीव करो. स्वर्ग है इसके लिए विश्वास करो. नरक है इसके लिए विश्वास करो. प्रभु यीशु है इसके लिए विश्वास करो. Amen. Amen. उसका लहू से तुम्हारा पाप साफ होता है उस पर विश्वास करो. God is not going to do it based on your faith. आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर ये सब काम नहीं करने वाले हैं. Your faith is the response of the reality. जब आप विश्वास करते हैं तो आप केवल असलियत को अपनाते हैं. Amen. Amen. So you cannot boast in our faith. इसलिए आप अपने विश्वास पर घमंड नहीं कर सकते. If you boast in your faith, यदि आप अपने विश्वास पर घमंड करते हैं, it is as if your faith has made it all. तो ये मानो ऐसा है कि आपके विश्वास के कारण ही ये सब हुआ है. Hello. तुम विश्वास किया इसके लिए स्वर्ग आ गया. तुम विश्वास किया इसके लिए प्रभु यीशु आया. तुम विश्वास किया इसके लिए आशीर्वाद मिला. वो गलत है. Amen. Amen. Now this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. So there is no boasting at all. इसलिए हम अपने विश्वास पर घमंड नहीं कर सकते. Your faith is not bringing those things in the reality. आपका विश्वास से ये बातें असली नहीं हो रही हैं.
If God would have not made provision, यदि परमेश्वर इन सब बातों को उपलब्ध नहीं your रखते, your faith is of no use. तो फिर आपका विश्वास व्यर्थ होता. Amen. Amen. These didn't start by faith; it started by grace. और ये सभी बातों की शुरुआत हमारे विश्वास से नहीं हुई है, पर परमेश्वर की कृपा से हुई है. It started with God. ये परमेश्वर से शुरू हुई है. Heaven has been there right from the beginning. और स्वर्ग तो शुरुआत से ही रहा है. Amen. Amen. शुरुआत से जैसा प्रभु now God has no beginning. अब परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है. God has no end. और न परमेश्वर का कोई अंत है. Because He created time. क्योंकि परमेश्वर ने समय बनाया है. So heaven was there. इसलिए स्वर्ग पहले से ही है. It's not your believing that brings heaven. आपके विश्वास करने से स्वर्ग नहीं बन जाता. वो पहले से है. आज तुम्हारा आँख खुला, spiritual आँख, क्योंकि प्रभु ने बताया करके. अगर तुमको नहीं पता था, तुमको मालूम भी नहीं पड़ता था, क्योंकि तुम देख के विश्वास करते हो. Amen. Amen. Jesus died on the cross. और यीशु ने अपनी जान for the sin of the whole world. पूरे जगत के पाप के लिए. If the Lord would have not told you this, यदि प्रभु ने ये बात आपको नहीं बताई होती, you would have never known it. तो आपको ये बात कभी पता ही नहीं चलती. Amen. Amen. Never known it. कभी आपको ये बात पता नहीं चलती. Because these are not in the natural. क्योंकि ये जो बातें हैं वो नैसर्गिक नहीं हैं. These are spiritual realities. ये सभी आत्मिक असलियत हैं. Only by the Bible, God could tell us, teach us, show us. केवल बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर हमें सिखा सके, हमें दिखा सके. So God's word is showing us about the spiritual realities. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक हकीकतें बताता है. He's not asking you, तुम विश्वास करते हो क्या? नहीं, तुमको विश्वास करने ही पड़ेगा, क्योंकि वो सच्चाई है. Amen. तुम्हारा विश्वास से वो सच्चाई नहीं होता है, वो पहले से सच्चाई है. आज तुम वचन से देख रहे हो, और तुम विश्वास करो या मत करो, वैसा ही रहेगा. Amen. Amen. Whether you believe or not, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, whatever God has said, it is there. जो भी परमेश्वर ने कहा है वो तो है. It is there. वो तो मौजूद है. Amen. Amen. स्वर्ग है, सब कुछ है. क्योंकि ये नेचुरल में नहीं है, इसके लिए हम देख नहीं सकते हैं. So Christian living is higher living. इसलिए मसीहों का जीना बहुत ही ऊंचा है. Amen. Amen. Because you apply faith, so you enjoy the blessings. क्योंकि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सभी आशीर्वादों का आप आनंद उठा सकते हैं. आप आशीर्वादों में पैर रखते हैं. Faith is the way to enter. और विश्वास ही अंदर जाने का मार्ग है. Amen. Amen. अगर faith नहीं है, तुमको नहीं दिखाई देगा ये सब, और तुम एंजॉय भी नहीं करोगे जो भी प्रभु ने दिया है. See, he brought salvation for mankind. देखिए, परमेश्वर ने ये उद्धार इंसान के लिए लाया. No one can see it. कोई भी ये देख नहीं सकता. Amen. Amen. He made a way. परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया. Can you see the way? क्या आप वो मार्ग देख सकते हैं? He brought life. वही जीवन लाया. Can you see God life? क्या आप परमेश्वर के जीवन को देख सकते हैं? We cannot see, even see our own life. हम अपना भी जीवन नहीं देख पाते जो प्रभु ने दिया है. So without the knowledge of God's word, इसलिए बगैर प्रभु के वचन के ज्ञान के, you can know nothing. आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं. कुछ भी सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगा, प्रभु के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा. It's not much religious activity by which you can know God. धार्मिक कामों से आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा. That's what the people of the world think. और दुनिया के लोगों को यही लगता है. जितना इन लोग religious activity करते हैं, वो बहुत जानकारी रखते. बिल्कुल नहीं. Only when you have the life of God, केवल जब आपके पास परमेश्वर का जीवन होता है, you begin knowing God. तो फिर आप परमेश्वर को समझने की शुरू करते हैं. You have just started to know God. आपने केवल शुरुआत की है कि आप परमेश्वर को जान सकते हैं. From the day you became born again, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, having the life of Christ, जब आपको मसीह का जीवन मिल गया, and by that life, और उसी जीवन के द्वारा, your spiritual eyes are open, आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, now you have started to know God, और अब आप परमेश्वर को धीरे-धीरे समझ रहे हैं. अभी तक तुम बच्चे हो, you're just born, आपका तो अभी सिर्फ जन्म हुआ है. Amen. Amen. Now with that new life, you must grow to know God. और अभी इस नए जीवन में हमें बढ़ना है और प्रभु की जानकारी और ज्यादा प्राप्त करनी है. And the word of God is that life. और परमेश्वर का जीवन वचन वही जीवन है. By which you can understand
more of God. जिसके द्वारा आप परमेश्वर को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे. Amen. Amen. So know this, what is faith? इसलिए समझिए कि विश्वास क्या है. So there is no boasting at all. इसलिए आप अपने विश्वास पर घमंड नहीं कर सकते. Faith is not your doing. विश्वास आपका काम करना नहीं है. Faith is not your ability. विश्वास आपकी योग्यता नहीं है. Faith कोशिश नहीं है. एक अंधा है. Suppose one blind man is there. मान लीजिए कि अंधा व्यक्ति है. I tell him there's a speaker here. और मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ पे स्पीकर पड़ा है. He can never see. वो तो नहीं देख सकता. He cannot believe. वो विश्वास भी नहीं कर. Because he cannot see. क्योंकि वो देख नहीं सकता. But if he trusts me. पर यदि वो मुझ पर भरोसा करता है. He will say yes. तो वो कहेगा हाँ ठीक है. Speaker is there. कि स्पीकर वहाँ पर पड़ा है. दूसरा अंधा बोलेगा तुम देखा क्या? मैं इस पे विश्वास करता हूँ. Amen. Amen. He said it. उसने कह दिया है. He will never tell lies. तो वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा. Amen. Amen. मैं बोलेगा स्पीकर इधर रखा है. अच्छा मैं उठाता हूँ. तुम बोलता कर उठा के दिखा रहे सचमुच स्पीकर उधर था. ओ बिलीव करने के बाद आया नहीं. हेलो. After he believed, the speaker didn't come. उसके विश्वास करने के बाद वहाँ पर स्पीकर नहीं आ गया. The speaker was already there. स्पीकर तो पहले से ही था. But my word made him to believe. पर मेरी बातों पर उसने विश्वास किया. And he believed because he trusts me. और इसलिए उसने मेरी बातों पर विश्वास किया क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है. Another blind man said, "I will not believe." और दूसरा अंधा कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा. मेरे को नहीं दिखता है. मैं विश्वास नहीं करता. He's dishonoring me. और वो मेरा अपमान कर रहा है. Means he is saying that he has no trust in me. इसका मतलब वो तो मेरे मुंह पे कह रहा है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है. I am a liar. मैं झूठा हूँ. I cannot trust you. मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता. Because he cannot see. क्योंकि वो देख नहीं सकता है. But another blind person. पर दूसरा जो अंधा व्यक्ति है. He believes. वो मुझ पर भरोसा करता है. Not because he saw. इसलिए नहीं क्योंकि उसने स्पीकर को देखा. He believes because he trusts in me. वो इसलिए विश्वास करता है क्योंकि उसका पूरा भरोसा मुझ पर है. I will honor him. तो वो मेरा मान करता है. I will honor him. मैं उसे मान सम्मान दूंगा. He who honors God, God honors him. जो परमेश्वर का मान सम्मान करता है, परमेश्वर उसका मान सम्मान करेगा. So I will tell him. इसलिए कहूंगा. Take it. It is yours. कि लेकर जाओ अब ये तुम्हारा है. So the faith didn't bring it here. इसलिए उसके विश्वास करने से स्पीकर यहाँ नहीं आया. I brought it here. मैंने ये स्पीकर यहाँ लाया. For him. उसके लिए. And I brought this for another person also, but he didn't believe, so he didn't get. दूसरे अंधे के लिए भी मैं स्पीकर लाया था, पर क्योंकि उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो मैंने उसे स्पीकर नहीं दिया. So everything God has made provision. इसलिए सभी बातों का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से Your ही कर दिया है. Your faith doesn't provide. आपके विश्वास करने से सभी बातें उपलब्ध नहीं हो जाती. Is the response. विश्वास केवल प्रतिसाद देना है. That what God says is true. कि जो परमेश्वर कह रहा है वो सच है. You live all your life by this faith. हम पूरा जीवन इसी विश्वास के सहारे जीते हैं. God is not a man to tell lies. परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि हमसे झूठ बोले. If you see it in the word. यदि आप वचन में देखें. You may say I believe. तो आप कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ. Amen. Amen. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? This is very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. You know, every Christian, most of the Christians serve God. अधिकतर मसीह लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं. Some serve God based on grace. और कुछ लोग हैं जो कृपा को समझकर प्रभु की सेवा करते हैं. Some serve God without the knowledge of grace. और कुछ लोग हैं जो बगैर कृपा के ज्ञान के प्रभु की सेवा करते हैं. दोनों काम करते, मेहनत करते प्रभु के लिए, दोनों प्रेम करते प्रभु से, परंतु एक को नॉलेज कृपा के बारे में है, एक को नॉलेज कृपा के बारे में नहीं है. बट येट बोथ वर्क. पर फिर भी दोनों काम करते हैं. ना आई डोंट वांट टू से द वन हु इज नॉट वर्किंग बाय ग्रेस इज रॉन्ग और बैड. मैं नहीं कहना चाहता कि जो व्यक्ति बगैर कृपा के काम करता है तो वो बुरा व्यक्ति है. नीदर डज गॉड से नहीं काम करने का. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं. बिकॉज is working out of love. क्योंकि वो प्रीति के कारण काम कर रहा है. Though he doesn't have knowledge. भले ही उसके पास ज्ञान नहीं है. He is saved. उसका उद्धार हो so चुका है. So he is working. इसलिए वो प्रभु के लिए काम करता है. But he doesn't want to grow in the Lord. पर वो प्रभु में बढ़ना नहीं grow चाहता. Grow in the knowledge of grace. प्रभु के
कृपा के वचन में बढ़ना नहीं चाहता। खुद का मेहनत से करता है। This is what Holy Spirit taught me, I'm saying. ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं आपको बता रहा हूं। If Holy Spirit have not taught me, I would have said, this fellow is wrong. यदि पवित्र आत्मा मुझे नहीं सिखाते तो मैं कहता कि ये व्यक्ति गलत है। नहीं, Lord बोलता ऐसा नहीं है। God has compassion on both. परमेश्वर दोनों पर ही अपनी कृपा बरसाता है। Both are serving God out of love. क्योंकि दोनों ही प्रेम से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। But one doesn't want to grow in grace. पर एक व्यक्ति है जो कृपा में बढ़ना नहीं चाहता है। Because the word of truth is grace. क्योंकि जो सत्य का वचन है वो कृपा है। Amen. Amen. The word of God is grace. परमेश्वर का वचन कृपा है। It's showing you grace. और ये आपको कृपा दिखाता है। The more you know the word, जितना आप वचन जानते हैं, the more you enter into grace. उतना ही आप कृपा में प्रवेश करेंगे। If you don't know the word, यदि आप वचन नहीं जानते, you will not enter into grace. तो फिर आप कृपा में प्रवेश नहीं करेंगे। Both are serving. दोनों ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं। But what will happen is the one who works on his own strength, पर एक व्यक्ति जो अपनी ताकत से काम कर रहा है, he'll have many difficulties, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, many problems, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, and the devil could also hinder it, और शैतान उसके कामों में अड़चन भी लाएगा, उस पर हमला करेगा, but since he is not knowing grace, पर क्योंकि उसे कृपा नहीं पता, he cannot defend himself, तो वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। Hello, so many times these kind of people, you know, though they work for God. इसलिए बहुत सी बार ऐसे लोग जो प्रभु के लिए काम तो करते हैं पर बहुत तकलीफ से जीते उन लोग, बाद में डेवल उनको अटैक करते हैं या बाद में मर भी जाएंगे। That doesn't mean they have gone to hell, they have gone to heaven. इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक जाते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। But you know, then Christians say, पर फिर मसीह लोग बोलते हैं, हाँ, इतना काम करता था प्रभु के लिए, चर्च के लिए, फिर भी ऐसा हो गया। Immature Christians very soon they speak. जो बचकाने मसीह हैं वो बहुत ही जल्दी ऐसी बातें बोलते हैं। They don't think and speak. वो सोचकर नहीं बोलते। Their thoughts are not renewed. और उनके जो विचार हैं वो प्रभु के वचन से नए नहीं हुए हैं। Their mind is not renewed. उनका मन नया नहीं हुआ है। So they speak flesh. इसलिए वो शारीरिक बातें बोलते हैं। They speak out of flesh. वो शारीरिक बातें बोलते हैं। इतना काम करके भी मर गया, क्या फायदा प्रभु के लिए काम करके? प्रभु कुछ First you must sanctify yourself. सबसे पहले आप अपना शुद्धिकरण कीजिए, in your thoughts, अपने मन को शुद्ध कीजिए। God cannot make a mistake. कि परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। Amen. Amen. He cannot, he will not. परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता और ना वो करेगा। There is no sin in God. परमेश्वर में पाप नहीं है। In some areas, you must be 100% sure. कुछ भागों में आपको 100% विश्वास रखना है। कितना भी तकलीफ में गए, प्रभु को मैं दोषी नहीं बोलूंगा। You must sanctify God in your heart. आपको अपने मन में परमेश्वर को पवित्र स्थान देना चाहिए। तुमको मालूम नहीं क्यों हो रहा है, but प्रभु का गलती नहीं है। Amen. Amen. You must sanctify God in your heart. आप परमेश्वर को अपने मन में पवित्र स्थान दीजिए। कभी भी प्रभु गलत नहीं कर सकता। He is without sin. परमेश्वर बगैर पाप का है, निष्पाप है। He is the righteous God. परमेश्वर धर्मी है। He is not a man to lie. वो एक इंसान नहीं है कि झूठ बोले। Amen. Amen. Don't ever partake with these kind of people when they say, I don't know, प्रभु ऐसा क्यों नहीं बचाया? प्रभु ऐसा तुम उसके भाग्यदारी में मत जाओ। That influence will come upon you. वो प्रभाव आप पर भी आएगा। Amen. Amen. Anything that you speak negative or contrary to God, against the word of God, the devil will influence. जब भी आप परमेश्वर के विरोध में या वचन के विरोध में बोलते हैं, तो शैतान का प्रभाव या शैतान का असर आप पर आ जाता है। You leave the place of light. आप सही का स्थान छोड़ देते हैं। If you leave the place of light, यदि आप प्रकाश का स्थान छोड़ दें, which is the word of God, जो प्रभु का वचन है, the devil will influence you. तो फिर शैतान अपना प्रभाव आप पर डालेगा। Because the word of God is your protection. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपकी सुरक्षा है। Amen. Amen. What you speak is very important. कि आप क्या बोलते हैं वो बहुत मायने रखता है। The Bible says death and life. बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु are in the power of your tongue. दोनों ही आपकी जबान के वश मतलब में है। दो तरीका का भाषा है इस जग में, एक है जीवन का, दूसरा है मौत का। Amen. Amen. Not all language are of life. सभी भाषा जीवन से भरी हुई नहीं है। The Bible says death and life. बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन are in the power of your tongue. दोनों का ही सामर्थ हमारे जवान के वश में है। Either you can give life to someone and yourself, or you can give death to someone and yourself. अपने शब्दों से या तो आप दूसरों को और खुद को मृत्यु दे सकते हैं, या आप अपने शब्दों से दूसरों को और खुद को जीवन दे सकते हैं। इमोशनली बात मत करो, फेथ से बात करो।
I know people don't like faith. मैं जानता हूँ लोगों को विश्वास नहीं पसंद है. But you live by faith. पर आप विश्वास से जिए. You know, if something happens. मान लीजिए कोई कुछ हो जाता है. And someone comes and tells you. और कोई आकर आपसे कहता है. तुम emotionally, हाँ ना ऐसा क्यों होने का, हाँ ना प्रभु करने मांगता था ना. तुम emotion बात मत करो, विश्वास से बात करो. Amen. Amen. Those Christians who walk by emotions. ऐसे मसीह लोग जो भावनाओं में चलते हैं. Get carried away. And speak death. वो भावनाओं में भर जाते हैं और मृत्यु की भाषा बोलते हैं. Only those who speak faith. पर जो लोग विश्वास की भाषा बोलते हैं. Producing life in yourself and your surrounding. वो अपने में और आप आसपास जीवन उत्पन्न करते हैं. बाती मत करो. That is why I always say. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ. Let faith lead you, not emotions. अपनी भावनाओं के सहारे नहीं पर विश्वास के सहारे चलिए. Let emotions follow faith. कि विश्वास के पीछे पीछे भावनाएं चलनी चाहिए. Amen. Amen. But most of the Christians walk by emotions. पर अधिकतर मसीह लोग भावनाओं के सहारे चलते हैं. Many don't like faith. बहुत से लोगों को विश्वास नहीं पसंद है. In a funeral service. एक मैयत की सभा में. Even my elder brother's funeral service. और जब मेरे बड़े भाई की मैयत की सभा हुई. Everyone spoke emotions. हर एक व्यक्ति भावुक बातें बोल रहा था. Because they wanted to stir up people to cry. क्योंकि वो दूसरों को उकसाना चाहते थे ताकि वो भी भावुक होकर रोने लगे. But I spoke faith. पर मैं विश्वास की भाषा बोल रहा था. And I know many didn't like it. और मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई मेरी बातें. By emotions you can draw crowd. भावनाओं से आप अपने भीड़ को तो जमा कर सकते हैं. By faith, very few will follow you. पर विश्वास से बहुत कम लोग आपके पीछे चलेंगे. Hello. Because natural living, the base human living is emotions. क्योंकि नैसर्गिक जीवन अधिकतर इंसान भावनाओं से जीता है. Christians have to live by faith. पर मसीहों के लिए जरूरी है कि हम विश्वास से जिए. Faith living means you cannot see it. और विश्वास के जीने का मतलब है कि आप देख you नहीं सकते. You cannot feel it. आप महसूस नहीं कर सकते. You have to believe it. पर फिर भी आप विश्वास करते हैं. That people don't like it. और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती. If I say God is here. यदि मैं कहूं कि परमेश्वर यहाँ पर है. You cannot see it. आप परमेश्वर को देख नहीं सकते. But some say God is here, but इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ऐसा ऐसा लगने मांगता ना प्रभु है. थोड़ा लगा ऐसा हवा भी आया, हाँ प्रभु प्रभु है इधर. थोड़ा गर्म होने लगा, अरे प्रभु इधर नहीं दिख रहा है. So you have to believe. आपको विश्वास करना है. And many people are not used to believing. और बहुत से लोगों को विश्वास करने की आदत ही नहीं है. If I tell you, प्रभु ने प्रार्थना करा, प्रभु ये ना रहे, प्रभु ये ना रहता. प्रभु या प्रभु. Oh my God, you must see Christians then. When the preacher say, जब प्रचारक कहता है, प्रभु ये ना रहे, अभी चलो रोक के बोला प्रभु, छोड़ो मत मुझे, आओ प्रभु, मैं छुओ प्रभु. बस the whole crowd will be taken up by emotions. तो पूरी भीड़ भावनाओं से भर जाएगी. All cry, oh प्रभु. और सभी बोलकर रोते हैं, मुझे छुओ प्रभु. God is in you. परमेश्वर आपके अंदर है. What छुओ प्रभु. The whole of God is in you. परमेश्वर परिपूर्णता में आपके अंदर है. Amen. Amen. You are looking for externals. आप बाहरी भावनाओं को देख रहे हैं. You are looking for something in the flesh. आप शारीरिक बातों में कुछ ढूंढ रहे हैं. You are looking to stir up the desires or senses. आप बाहरी बातों को देख रहे हैं ताकि आपकी भावनाओं को आपको महसूस हो. Your senses don't feel it. जब तक आपको महसूस नहीं होता. Your senses don't agree it. तो आपके जो इंद्रियां हैं वो सहमत नहीं होती. Believe. तब तक आप विश्वास नहीं करते. You're still a sense person. तो फिर आप अब भी इंद्रियों के ज्ञान से चलते हैं. By senses. आप इंद्रियों के सहारे चल रहे हैं. Amen. Amen. The only people that walk by faith are Christians. केवल मसीह लोग हैं जो विश्वास से चल सकते हैं. Amen. Amen. See, when I was a Christian, a dead Christian. जब मैं मरा हुआ मसीह था. I wouldn't believe God unless I saw a statue. तो जब तक मैं एक मूर्ति नहीं देखता तब तक मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर है. जब तक देखता नहीं था कैसा प्रार्थना करेगा. That's why इतना मूर्ति रखा था. I have to see. तो मुझे देखना पड़ता था विश्वास करने के लिए. मुझे छूना पड़ता था. You know, my uncle taught me that. और मेरे अंकल ने मुझे ये सिखाया. You know, in our church we had many statues. हमारे चर्च में बहुत सारी मूर्तियाँ थी. And he would start right from the first statue. और सबसे पहली मूर्ति से हम शुरुआत करते. ऐसा करते करते पूरा चर्च
को हाथ लगा किस करके ही जाता था। इवन एट होम, घर पे भी यू वुड हैव मेनी स्टैचूज एंड फोटोस, मूर्तियां और फोटोस थे। यू वुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत से हम सबसे पहली मूर्ति से शुरुआत करते हैं। बिकॉज़ यू हैड दैट फियर यू कुड मिस इवन वन, क्योंकि हमारे मन में डर होता था कि यदि एक को भी हमने नहीं छुआ तो कुछ गलत होगा। अगर एक को भी नहीं किस किया, ओ माय, वो गुस्सा हो जाएगा। स्टार्ट पक्का इधर से स्टार्ट किया तो एंड उधर होना चाहिए। सो यू टू किस ऑल द फोटोज एंड स्टैचू एट होम एंड देन गो आउट। घर में जितनी भी मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, सभी को चूमकर उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं। दे विल आल्सो टॉक फेथ, और वो लोग भी फेथ बात करते थे, बट दिस इज नॉट फेथ, पर ये विश्वास नहीं है। You must know what is faith. आपको जानना चाहिए कि विश्वास क्या है। Did you understand faith today? क्या आपको समझ में आया कि विश्वास क्या है? Hello, I gave a very simple example. मैंने आसान उदाहरण से आपको समझाया है। So Christian living is only by faith. तो मसीहों का जीना केवल विश्वास वाला जीना है। Don't let your senses take the lead. अपने इंद्रियों के सहारे मत चलिए। भले ही दिखा नहीं दिखा, छुआ नहीं छुआ, गर्म आया हवा आया, कुछ फर्क नहीं गिरता है तुमको। Amen. Amen. Hello. When the preacher says, cry out to God. जब प्रचारक कहता है कि परमेश्वर के सामने रो, तो समझने का ये इमोशनलिज्म है। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक मिलेगा तुमको अच्छा लगेगा जरूर। You'll feel very good. तो आपको अच्छा महसूस होगा। मगर उधर से थोड़ा बाहर गया, वो गुड सब गया। Finished. So these people think, अरे कितना अच्छा लगा ना, कितना अच्छा। कभी वो आएगा वापस और एक मीटिंग ऐसा, तुम रोज मीटिंग में जाने पड़ेगा ऐसा, थोड़ा स्टर अप होने के लिए। That is not spiritual living. ये आत्मिक जीवन नहीं है। Spiritual living, the realities don't change. और आत्मिक जीने का मतलब है कि जो आत्मिक असलियत है वो बदलती नहीं है। नहीं बदलता है। Amen. क्योंकि तुम्हारा फेथ उधर लाया नहीं है, वो पहले से है। तुमको सिर्फ बोल रहा विश्वास करो। Amen. Amen. See, God is good. परमेश्वर अच्छा है। He has provided everything. परमेश्वर ने सभी बातों का प्रबंध कर रखा है। परमेश्वर बदलता you नहीं। Change. आप बदलते हैं। Amen. Amen. So never blame God. इसलिए कभी भी परमेश्वर पर दोष मत लगाइए। Every provision is made. हर एक चीज का प्रबंध हो चुका है। If provision is not made, यदि किसी भी चीज का प्रबंध नहीं होता, and God tells you to believe, और फिर परमेश्वर आपसे कहता है कि विश्वास करो, तो फिर परमेश्वर झूठा है। Hello. Are you understanding? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Try to understand all these mysteries. और ये बातों को समझने की कोशिश कीजिए। If God tells you to believe, यदि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि विश्वास करो, Without him providing, बगैर परमेश्वर के वो चीज लाने advance, से पहले से ही प्रभु आपको कहता है विश्वास कीजिए। If it's not there, यदि वो चीज पहले से है ही if it is not provided, यदि उसका प्रबंध नहीं and हुआ he's telling you believe, और फिर भी परमेश्वर कहता है कि तुम इस पर विश्वास करो, he's a liar, तो फिर परमेश्वर झूठा है। But if he's telling you to believe, पर यदि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास and you don't believe, और आप विश्वास you are a liar, तो फिर आप झूठे हैं। Hello. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? I'm trying to make it very easy for you. मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So don't walk by emotions only. इसलिए भावनाओं से मत चलिए। किसका भी दुख देखा तो ऐसा क्यों प्रभु किया, ऐसा क्यों होने का था? Don't talk. ऐसी बातें मत बोलिए। Talk faith. विश्वास की भाषा बोलिए। Never blame God. कभी भी परमेश्वर पर दोष मत लगाइए। He is the only one who can help you. और वही एक है जो आपकी मदद कर सकता है। Amen. And without provision, he will never, never tell you to believe. और बगैर प्रबंध किए परमेश्वर आपको उस चीज पर विश्वास करने के लिए if नहीं कहेगा। If he is asking you to believe, यदि परमेश्वर कहता है आपको विश्वास करने के लिए, he has provided in advance. तो इसका मतलब है कि पहले से ही परमेश्वर ने वो चीज तैयार करके रखी है। That is grace. अपनी कृपा से। Your faith is in the advance blessing. और जो आशीर्वाद पहले से ही परमेश्वर ने रखे हैं, आपको उन आशीर्वादों पर विश्वास करना है। Your faith doesn't bring blessing. आपके विश्वास करने से आशीर्वाद नहीं आते हैं। Your faith is your response. और विश्वास करना केवल आपका प्रतिसाद देना है। To the advance blessing that God has already provided. उन आशीर्वादों के लिए जो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए रखे हैं। तुम्हारा गुण से, तुम्हारा अच्छाई से उधर नहीं आया है, प्रभु का कृपा से आया है।
By His grace, provision came. अपनी कृपा से परमेश्वर ने सभी चीजों का प्रबंध किया. Your goodness or your worthiness didn't bring it there. आपकी भलाई से, आपकी योग्यता से ये चीजें नहीं आई हैं. When you were bad, provision was there. जब आप बुरे थे, तब भी प्रबंध था. When you were a sinner, provision was there. जब आप पापी थे, तब भी प्रबंध था. He didn't bring the provision after you became good. आपके अच्छे होने के बाद परमेश्वर ने किसी चीज का प्रबंध नहीं किया. Hello, are you understanding this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? If yes, say yes. यदि आपको समझ में आ रहा है तो कहिए हाँ. Otherwise, I cannot teach you such depth नहीं teaching तो फिर that. आगे की गहरी चीजें मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा. You have to grow in grace. जरूरी है कि हम कृपा में बढ़ें. Grace means knowledge of God. और कृपा का मतलब है कि परमेश्वर का ज्ञान रखना. If you don't know grace, यदि आप कृपा को नहीं जानते, you are not growing in the knowledge of God. तो आप परमेश्वर के ज्ञान में या परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं. Amen. Amen. Because only grace unveils. क्योंकि केवल कृपा सभी बातों को खोलता है. Amen. Amen. प्रभु यीशु जो कृपा है, वो वेल निकाल दिया है. Now you can go forward और अब आप आगे जा सकते हैं in the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं. Amen. Amen. You don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है. Walking, everything is provided. सभी बातों का प्रबंध हो चुका है. कुछ नहीं होने वाला प्रॉब्लम. That's why I tell, you know, these time two kinds of Christians are there. और दो तरह के मसीह लोग हैं. Both are working hard. दोनों ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं. But one is using the knowledge of God. पर एक है जो परमेश्वर के ज्ञान का इस्तेमाल करके काम करता है. And another is not. और दूसरा प्रभु के वचन के ज्ञान से काम God नहीं करता. God accepts both the work. परमेश्वर दोनों के काम को स्वीकारता है. But the one who doesn't know grace. पर एक जो कृपा को नहीं जानता है. He is not taking the help that is already provided. जो मदद पहले से उसके लिए है, वो उस मदद को नहीं लेता. तो उसको बहुत तकलीफ होता है, अड़चन होता है, फिर भी वो बोलता है, भले ही मेरे को तकलीफ हो दो, फिर भी मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, मैं मर जाऊंगा फिर भी. तुम्हारा जबान से ऐसा भाषा आया तो जल्दी होगा. हेलो, A person without grace is blind. एक व्यक्ति जिसे कृपा नहीं पता, वो अंधा है. He cannot see. वो देख नहीं सकता. When he will fall, you will not know. वो कब आगे चल के गिरेगा उसे पता भी नहीं चलेगा. Amen. Amen. Okay. Did you understand? क्या आपको समझ में आया? I won't take more because I want you to meditate on what I said. मैं आगे नहीं सिखाऊंगा. मैं चाहता हूँ जितना आज सिखाया है उस पर मनन कीजिए. Hear this again and again. बार बार ये सुनिए. And you'll understand. फिर आपको समझ में आएगा. It's very important to understand. और समझना बहुत जरूरी है. If you don't understand, यदि आप समझते नहीं, the word that is sown, Satan will remove it. तो जो वचन आपके मन में बोया गया है, शैतान उस वचन को चुरा लेगा. क्यों? So that you don't understand. ताकि आप वचन को समझ नहीं पाए. अगर रहेगा उधर, कभी Holy Spirit तुमको understanding देगा उसके बारे में, इसके पहले निकाल दो. Hello. So it's very important you must understand. इसलिए समझना बहुत जरूरी है. Okay, let's all stand up. We give glory to Jesus. खड़े हो जाएं, प्रभु को महिमा दें.